गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द बेसिक कलर्स। कलर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। कलर आर लव बाय एवरीवन फ्रॉम यंग टू ओल्ड। पिक्चर एंड कलर्स अट्रैक्ट एवरीवन। किड आल्सो लव पेंटिंग ड्राइंग। दैट्स व्हाई चिल्ड्रंस बुक इंक्लूड कलरिंग पिक्चर्स। सो टुडे वी विल सी व्हाट द ओरिजिनल कलर इज। मूल रंग क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। पहले कलर्स क्या है ये हम डेफिनेशन देखेंगे। What do you mean by colors? Color are just reflection of light particular on particular surface. So, colors क्या होता है? Colors एक किसी surface पर प्रकाश किरण गिरता है। प्रकाश किरण गिरने के बाद वो surface कुछ किरणें observe कर लेता है, मतलब अपने में समाहित कर लेता है और बाकी की किरणें परावर्तित करता है। जो परावर्तित किए हुए ध्रुव किरण होते हैं उन्हें हम colors कहते हैं। यह है colors की definition। दोबारा एक बार बताता हूँ मैं आपको। Colors are just reflection of light on the particular surface. Which is the primary colors? Primary colors are red, yellow and blue. Why the red and blue and yellow are primary colors? Primary colors definition. Primary colors are those color which cannot be made by mixing any other colors, but all other colors can be made by mixing these colors. मतलब प्राइमरी कलर्स वो है जिन्हें मूल कलर हम कहते हैं, और वो रंग ऐसे हैं जो किसी भी कलर मिक्सिंग से नहीं बनते हैं। हाँ, लेकिन प्राइमरी कलर से बहुत सारे कलर्स बन सकते हैं, इसीलिए हम इसे प्राइमरी कलर्स, मूल रंग या फिर प्रथम श्रेणी के कलर्स करते हैं कहते हैं। आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है रेड, येलो एंड ब्लू, ये तीन कलर है, ये प्राइमरी कलर्स है और इनके मिक्सिंग से बाकी कलर्स बनते हैं, लेकिन ये किसी भी कलर मिक्सिंग से नहीं बनते, इसीलिए इन्हें प्राइमरी कलर्स, मूल कलर्स या बेसिक कलर्स कहा जाता है। अब हम सेकेंडरी कलर्स के बारे में जानते हैं। सेकेंडरी कलर्स डेफिनेशन। सेकेंडरी कलर आर दोज कलर यू गेट बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर इन इक्वल प्रपोर्शन। मतलब सेकेंडरी कलर्स वो है जो दो प्राइमरी कलर के प्रॉपर मिक्सिंग से बनता है, मतलब समान उसका वैल्यू होता है और वो दोनों मिक्स करने के बाद सेकेंडरी कलर्स हमें मिलता है। इसीलिए प्राइमरी कलर्स को प्राइमरी कलर्स कहा जाता है और सेकेंडरी कलर्स प्राइमरी कलर से बनते हैं, इसलिए उनको सेकेंडरी कलर्स कहा जाता है। आपके सामने एक डिस्प्ले है, उसमें सेकेंडरी कलर्स लिखा है ऑरेंज, ग्रीन एंड वायलेट। ऊपर वाला जो कलर है उसे येलो कलर्स कहते हैं। हाँ, और येलो कलर्स कैसे, येलो कलर प्राइमरी कलर है, दूसरा है रेड कलर, रेड कलर्स प्राइमरी कलर है, तीसरा है ब्लू कलर्स, ब्लू कलर भी प्राइमरी कलर्स है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ ब्लू और येलो दोनों मिक्स करने के बाद बनता है ग्रीन, तो ग्रीन कौन सा कलर है, सेकेंडरी कलर्स है। सेकेंडरी कलर्स को यहाँ पर एरो दिखाया गया है। दूसरी बात, येलो और रेड कलर दोनों मिक्स करने के बाद कौन सा कलर बनता है, ऑरेंज कलर, एरो से यहाँ पे दिखाया गया है ऑरेंज कलर कौन सा है, तो आप देख सकते हो। तीसरा कलर है ब्लू और रेड मिक्स करने के बाद बनता है वायलेट, वायलेट आल्सो आ सेकेंडरी कलर्स, वायलेट को पर्पल भी कहते हैं, लेकिन नॉर्मली हम कलर की लैंग्वेज में हम उसे वायलेट ही कहते हैं। अब हम देखते हैं ग्रे स्केल और टीन टोन और शेड्स क्या है। मोनोक्रोमेटिक कलर्स चूज वन कलर एंड ऐड ब्लैक, वाइट एंड ग्रे कलर टू क्रिएट शेड, टीन एंड टोन्स। मतलब किसी भी कलर में ब्लैक, वाइट एंड ग्रे कलर मिक्स करने के बाद टीन टोन शेड्स मिलता है, और ब्लैक और वाइट मिक्स करने के बाद ग्रे कलर बनता है, और ग्रे में वाइट मिक्स करने के बाद उसकी छटा बनती है, उसे ग्रे स्केल कहा जाता है। हम एक एक करके उनके डेफिनेशन देखेंगे। सामने आपको ग्रे स्केल में डिस्प्ले दिखाया है, इसमें ग्रे स्केल में हमने पाँच शेड बनाए हैं, पाँच टोटली, ब्लैक और वाइट दोनों के मिक्सिंग से ग्रे कलर बनता है, और यहाँ पे हमने ग्रे कलर में ब्लैक मिक्स करके छटा बनाई है, छः छटा है टोटली। ग्रे स्केल क्या है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रे स्केल इज़ अ लार्ज, ग्रे स्केल इज द रेंज ऑफ द मोनोक्रोमेटिक शेड्स फ्रॉम ब्लैक टू वाइट। देयर फोर अ ग्रे स्केल इमेज कंटेन ओनली शेड ऑफ ग्रे एंड नो कलर्स। वॉट इज अ टिंट, टिंट कलर फॉर्म बाय एडिंग वाइट। किसी भी कलर में वाइट कलर मिक्स, वाइट मिक्स करने के बाद जो छटाएँ बनती है उसे टिंट कहते हैं। टोन कलर फॉर्म बाय एडिंग ग्रे, किसी भी कलर में ग्रे कलर मिक्स करने के बाद जो छटाएँ बनाते हैं हम उसे ग्रे या फिर टोन कहते हैं। अब शेड्स, कलर फॉर्म बाय एडिंग ब्लैक,
किसी भी कलर में ब्लैक मिक्स करते हुए शेड बनाते हैं तो उसे शेड्स कहते हैं। बच्चों आपको रेनबो के कलर्स पता है कौन कौन से कलर हैं? आपके सामने डिस्प्ले पर मैंने एक इंद्रधनुष रखा है जिसे रेनबो करते हैं। रेनबो के कलर्स होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो देखो जब रेनबो का सर्च हुआ तो रेनबो में सर्च होने के लिए किसने सर्च किया है रेनबो का आपको पता है? नहीं पता है, ठीक है। आइजैक न्यूटन को पता, आइजैक न्यूटन को आप जानते हो, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सर आइजैक न्यूटन ने रेनबो के 6 कलर्स का सर्च किया था, 6 कलर्स उन्होंने ढूंढे थे। उन्होंने एक प्रिज्म पर सूर्य का एक ही किरण आया ऐसी योजना कर एक अंधेरे रूम में उन्होंने प्रिज्म के जरिए ये 6 कलर का पता लगाया था। और बाद में 7वां कलर इंडिगो कलर बाद में इंक्लूड किया गया था। फिर सारे शास्त्रज्ञों ने मिलकर, सारे साइंटिस्ट ने मिलकर प्रकाश एक 7 किरणों से बना हुआ है ऐसा उन्होंने डिसाइड किया और बाद में ये सिद्धांत उन्होंने रखा। तो बच्चों आज हमने प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, ग्रे स्केल, उसके बाद रेनबो के कलर्स, ये हमने सीखे हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक, आज का सब्जेक्ट आपको कैसा लगा? मुझे लगता है आपको अच्छा ही लगा होगा। धन्यवाद। दाखोरी।